अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ कंसर्न्ड है। सबसे पहले नंबर पर है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर दरअसल एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की एक प्लेन में पोजीशन डिस्क्राइब करता है और ये बताता है कि जैसे ये पॉइंट, इसका एक्स एक्सिस से कितना फासला है और इसका वाई एक्सिस से कितना फासला है। तो इसको ज़रा डिफाइन इस तरह से करते हैं कि पोजीशन वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन of a point with respect to the origin. It is represented by a straight line drawn in such a way that its tail coincides with the origin and head with point P A B. Means कि this is the position vector. इसका जो head है ये इस पॉइंट पी के साथ है और इसकी टेल जो है वो ओरिजिन के साथ है। एंड पोजीशन वेक्टर आर शोज दैट वी कैन रीच एट पी बाय कवरिंग ए यूनिट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी यूनिट डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। The projection of position vector are on x and y axis are the coordinates A and B. लेकिन ये जो पॉइंट A है that is the distance of point P along x axis and B is the distance along y axis. And they are the rectangular components of the vector R, any vector R, hence are equal to AI plus BJ and the magnitude of the resultant vector represents displacement of point P from the origin and is given by A square plus B square under the root. And in three dimensional space, position vector of a point P is P A B C, which is given by R is equal to A I, yani A jo hai ye x axis ke along, B J y axis ke along and C K z axis ke along. And the magnitude of the vector is A square plus B square plus C square. Magnitude of the vector जो है ये उस point का origin से displacement describe करता है। तो ये एक छोटी सी definition है। paper में ये कई दफ़ा question आ चुका है कि what do you meant by position vector? तो position vector is a vector that describes the location of a point with respect to the origin. This vector is denoted by R. Head of the vector is at point P A B and tail of the vector is at origin. And P A B means ke in order to reach at point P we will have to cover A unit distance along x axis and B unit distance along y axis. Next है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, डिस्क्राइब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में दो वेक्टर्स लिए गए हैं, जैसा कि एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी।
यहाँ पे सिर्फ दो वेक्टर्स को जमा करने का मैकेनिज्म इसलिए दिखाया गया है कि हम सबसे पहले आपको दो वेक्टर्स जमा करके और फिर उनका एनालिसिस करके दिखाएंगे। तो जब आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स अवेलेबल होंगे तो आप बिल्कुल उन्हीं उसूलों पर चलते हुए दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों को जमा कर सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये बताया जाएगा कि शुरू में हम दो वेक्टर्स को जमा करेंगे और जो तरीका दो वेक्टरों को जमा करने का होगा, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो वही उसूल फॉलो किया जाएगा फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस ओ एम एंड ओ एन। यानी हमें जो डेटा दिया गया है उसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का नाम ए है, दूसरे वेक्टर का नाम बी है। वेक्टर ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम एंड द वेक्टर बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एम पी एंड आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स which are represented by two lines OM and ON represent respectively. Adding the vectors A and B using head to tail rule of vectors addition and R is the resultant of vector A and B and can be written as R is equal to A plus B. Now resolving the vectors A and B into their rectangular components, the resultant vector R can also be resolved into its rectangular components as. अब ये ज़रा देखें कि हमारे पास ये vector O A represented by OM, vector B represented by MP, इन दोनों को जब हमने head to tail rule follow करते हुए add कर दिया तो इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट आर है। यानी ओ एम रिप्रेजेंटेड बाय ए, बी रिप्रेजेंटेड बाय एम पी, इन दोनों को हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हुए हमने जमा कर दिया एंड आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। आर जो है ये ए और बी का रिजल्टेंट है। नाउ रिजॉल्विंग ऑल द वैक्टर्स इन टू देयर रिक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। ये देखिए ज़रा, सबसे पहले जब हम वैक्टर आर ए को इसके कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इसके ये दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे ए वाई एंड ए एक्स। एंड सिमिलरली वैन वैक्टर बी इज रिजॉल्व इट स्प्लिट्स अप इन टू टू कॉम्पोनेंट्स बी वाई एंड बी एक्स। एंड फाइनली वैन वैक्टर आर इज रिजॉल्व into its rectangular components, it splits up into ry and rx. हमने सबसे पहले दो वेक्टर्स a और b को हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हुए ऐड किया। ऐड करने पर r इनका रिजल्टेंट है। वेक्टर a joined with वेक्टर b and R is the resultant of vector A and B. Hence, R is equal to A plus B. हमने vector A को resolve किया तो A के दो components बन गए AY and AX. Vector B को resolve किया तो इसके दो components बन गए BX and BY. And finally, we resolved the vector R into its rectangular components. और इसके दो components बन गए RY and R. अब अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें इस शक्ल को तो हमें ये दिखाई देता है कि रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है ये ए एक्स और बी एक्स का सम है और इसी तरह जो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है ये वेक्टर a के y और वेक्टर b के y कंपोनेंट का सम है। इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम बहुत सारे वेक्टर्स को जमा कर रहे होंगे तो जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा दैट वुड बी सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स, और जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा दैट वुड बी सम ऑफ द वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। अब इसको जरा गौर से देखें। नाउ रिजॉल्विंग वेक्टर ए एंड बी इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, द रिजल्टेंट वेक्टर आर कैन आल्सो बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज शोन इन द फिगर। अगर हम फिगर को गौर से देखें, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स, एंड सिमिलरली वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। सो वी कैन राइट इट एज आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है दैट इज सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स, एंड सिमिलरली वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। एज आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड हेंस रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। और यहाँ पे हम आर एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स आई, आर वाई की वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई जे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्वेयर अंडर द रूट। तो अगर हम इनकी वैल्यूज लिख दें तो आर एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वेयर, आर वाई की वैल्यू है ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वेयर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वुड बी ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वेयर एंड अंडर द रूट, एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वैक्टर कैन बी डिटर्मिन फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स, टेन इनवर्स ऑफ आर वाई की वैल्यू है ए वाई प्लस बी वाई एंड ए एक्स प्लस बी एक्स। इसमें वैल्यूज दर्ज करके हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन, इस फार्मूले से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और इस फार्मूले से रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वैक्टर्स ए बी सी वी कैन राइट, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वैक्टर्स हों तो वी कैन डिनोट दैम ए बी सी डी एंड सो ऑन, एंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वुड बी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस एड करते जाएँ और सबका स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इन सब का स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर रूट व्हेन वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वुड बी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर एक्स आर वाई बाय आर एक्स। ये थोड़ा गलती से लिखा गया है, ऊपर की तरफ जो है वो वाई होगा, नीचे की तरफ एक्स होगा। The vector addition by rectangular component consists of the following steps. The vector addition by rectangular components consists of the following steps. Find x and y components of all the given vectors. Find x component Rx of the resultant vector by adding the x component of all the vectors. यानी आपको जितने vectors दिए गए हैं उन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को जमा करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, एंड सिमिलरली दिए गए तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट को जमा करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर वाई बाय एडिंग वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट।
हम सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द रिजल्ट वेक्टर्स का स्क्वायर एंड सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स का स्क्वायर डिवाइडेड अंडर द रूट. तो आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स. वेयर थीटा इज द एंगल विच रिजल्टेंट वैक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. द साइंस ऑफ आर एक्स एंड आर वाई डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द रिजल्टेंट वैक्टर लाइज. फॉर दैट पर्पज प्रोसीड एज गिवन बिलो. यानी आप इस तरह उसको यानी फाइंड आउट करें कि आर एक्स और आर वाई की वैल्यू ये डिटरमिन करेंगी. जब हम बहुत सारे वेक्टरों के एक्स कंपोनेंट को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स आएगा. जब बहुत सारे वाई कंपोनेंट को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट का वाई आएगा. अब आर एक्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव एंड इन सिमिलर वे आर वाई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इनकी वैल्यूज ये डिटरमिन करेंगी कि आपका रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में लाई करेगा. इन बातों से मुबर्रा होकर आप सबसे पहले एक एंगल फाइंड आउट कर लें विच इज़ नोन एज फाई, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स यूजिंग कैलकुलेटर. नोइंग द वैल्यू ऑफ फाई, एंगल थीटा इज डिटरमिंड एज फॉलोज. If both Rx and Ry are positive, then the resultant lies in the first quadrant and theta must be equal to phi. आप ये देखें कि आपका पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा. Rx भी पॉजिटिव है, Ry भी पॉजिटिव है. Rx और Ry यानी बहुत सारे वैक्टरों के x कॉम्पोनेंट का सम, बहुत सारे वेक्टरों के वाई कंपोनेंट का सम. अगर ये आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव आते हैं तो इट मींस के वेक्टर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और थीटा फाई के बराबर होगा. इट इज़ पॉसिबल कि आप बहुत सारे वेक्टरों के एक्स कंपोनेंट को जमा करें तो रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव हो. इफ़ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड एज आपने फाई की वैल्यू पहले मालूम कर ली, वो ये वाली वैल्यू थी. आप थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए 180 में से फाई को माइनस कर देंगे. तो इस तरह से आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका आर एक्स नेगेटिव है जबकि आर वाई पॉजिटिव है एंड थीटा वुड बी इक्वल टू 180 माइनस फाई. फाई क्या चीज़ है? फाई आपने इन दोनों की डायरेक्शंस को नज़रअंदाज करते हुए ये फाइंड आउट कर लिया था कि फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स. इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर नेगेटिव द रिजल्टेंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाई लाइक दिस. आप गौर से देखें तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है. रिजल्टेंट वेक्टर जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आर वाई भी नेगेटिव, आर एक्स भी नेगेटिव और फाई जो होगा वो दिस ये वाला एंगल होगा और यहाँ तक 180 और यहाँ तक आने के लिए आप 180 में फाई ऐड कर देंगे. इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच टर्मिनल लाइन ऑफ द वैक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड फाइनली इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव द रिजल्टेंट वैक्टर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज इक्वल टू थीटा 360 माइनस फाइव. अब आप जरा गौर करें कि ये वैक्टर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. यहाँ देखें तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, तो फाई की वैल्यू ये होगी लेकिन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल विच इट्स टर्मिनल साइड मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो
हम इस एंगल को 360 से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर 360 माइनस 5। उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है ये समझ आया होगा। इसको एक दफ़ा नहीं बार बार इसको गौर से सुने और ये बड़े ही अहम लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है। इसी सवाल में से कई दफ़ा आपके पास एमसीक्यूज एडजस्ट हो जाते हैं कि जब वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एंगल किसके बराबर होगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एंगल किसके बराबर होगा, एंड सिमिलरली व्हेन इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट और तो एंगल किसके बराबर होगा। तो इसको ज़रा अच्छी तरह पढ़ें और पूरा ज़ोर लगाकर इसकी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।